अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज वेदर जो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना ऐसे बस सर्दी और बारिश है। तो अभी मैंने कहा चले आपको भी दिखा देती हूँ, वो देखें पीछे हमारा फैंस जो है वो भी टूट गया है, अभी कभी उसे भी फिक्स कराएंगे। क्या करूँ, बारिश की वजह से किसी को उस तरफ जाने का दिल नहीं कर रहा और मुझे लगता है वीकेंड पे जो है वो बारिश भी स्नो भी होगी। और इसके अलावा जो है फिर रात का डिनर है, इसके लिए जो है मैंने फ्राइज जो है वो बना रही हूँ और इसके साथ जो है और भी जो है वो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बस बिज़ी रही हूँ बच्चों के साथ, कभी एक बीमार कभी दूसरा बीमार, बस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, मेरे अपने अपॉइंटमेंट थे वो अटेंड किए, अभी और भी हैं। तो फिर पता है भागा थोड़ी में ना इतना टाइम नहीं मिलता है, तो फिर इसलिए जो है वो व्लॉग टाइम पे नहीं आ रही है, लेकिन वो शॉर्ट्स में तकरीबन हर रोज़ जो है वो अपलोड कर देती हूँ कि चले कोई ना कोई मतलब ऐसे गैप ना हो, कुछ ना कुछ जो है वो यूट्यूब पे मेरी तरफ से आना चाहिए। तो उसके लिए ये रात का डिनर है, इसके साथ जो मैं फ़िश फिंगर बना रही हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाई है, और साथ ये बाकी थे जो हम लोग बाहर से लेके आए हैं, तो अभी क्या करेंगे वो फ़िश फिंगर इसमें डालूँगी। तो फिर जो है वो बच्चों को बना के सैलड वगैरह चीज़ वगैरह उन्हें जो भी पसंद है इसमें डाल के फ्राइज के साथ वो इन्हें देना है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा लेट ही जो है वो लंच कह ले जो भी कह ले वो काफ़ी देर बाद किया, मेरे हाल में 5-6 बजे किया, तो अभी 8 का टाइम है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले ये थोड़ा हल्का सा कुछ और बना देते हैं इन्हें, ताकि या फिर मतलब उन्हें भूख ना लगे। तो बस यही है, हम भी यही खाएंगे, कुछ हल्का फुल्का सा ही है। तो अभी ये जो है मैं आपके सामने जो है वो बना देती हूँ। बच्चों के क्या होता है कि उन्हें रोटी ना दो कुछ भी दे दो, रोटी उन्होंने नहीं खानी, रोटी सिर्फ मेरा जो छोटा बेटा है ना वो बहुत खुशी से खाता है, 2 टाइम खाता है ना माशाल्लाह से। अगर आप उससे कहो ना कि जैक्रिया रोटी क्या खाना, तो वो सिर्फ रोटी कहेगा कि मैंने रोटी खानी है। तो ये देखिए अभी फ़िश फिंगर जो है वो भी रेडी हो गए और फ्राइज जो है वो भी रेडी हो गए, तो अभी इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनानी। ये देखिए चीज़, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनका साइज़ नहीं है, तो चीज़ जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो इसलिए फिर मैंने इसे मिडल में से काट लिया। तो अभी ये जिन्होंने जो सॉस शोस खाने वो बस थोड़े थोड़े मैं इसमें डाल दूंगी इन्हें, बाकी जो है वो साइड पे रख लेंगे और खा लेंगे। तो ये बस इजी जो है वो करना है और क्या। ये देखिए ये सॉस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, चिली वाला है, टबास्को सॉस है, तो इसलिए फिर मेरी बेटी ने लिया, मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे सिर्फ चिली ही लगती है कि इसमें और कुछ मतलब टेस्ट है ही नहीं, सिर्फ ऐसे जैसे नहीं चिली है इसमें, तो उसके लिए है। तो अभी उसने बस जो जो खाया मैंने इसमें डाल दिया है, ये अभी साथ खुद भी लगी हुई है, तो मैंने इस वगैरह जो है अभी इसमें मैं डाल के और उसे फ़िश फिंगर जो है साथ चीज़ रखूँगी और इसके अंदर जो है वो फ़िश फिंगर डाल के उसे बना के दे दूँगी ऐसे, क्योंकि इसमें जगह थोड़ी है, तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें जो है आप जो है वो फिलिंग नहीं भर सकते हो। तो ये देखिए ऐसे जो है मैंने फ़िश फिंगर जो है वो काट दिए, तो अभी जो है इसके अंदर फिर मैं डाल दूँगी नमक वगैरह जो वो मैंने पहले डाल दिया है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्विक एंड ईजी, अगर बच्चों को ज़्यादा भूख ना हो तो बस ये वेरी क्विक एंड ईजी लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है, अगर उन्होंने पहले कुछ खा लिया हो तो बस हमने भी सोचा कि कुछ ऐसा ही बना देते हैं। तो ये देखिए उनका ये हमारी तरफ से डिनर जो है वो रेडी हो गया, तो अभी ऐसे ही सबको बना के देती हूँ और वो भी खाएंगे और हम भी खाएंगे। इसके अलावा आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये एक्सपेरिमेंट है, आप लोग दुआ करना कि ये आपको पता नहीं क्या ऐसे ना बीच से नज़र आ रहे बीच ही हैं, लेकिन एवोकाडो जो होता है उसका अंदर जो गुठली होती है ना ये वो वाली है, कि हमने कहीं मेरे ख्याल में मेरी सिस्टर लो ने कहीं सोशल मीडिया पे कहीं देखा था कि वो इससे मतलब इसे उगा सकते हो, इसमें से प्लांट निकल आता है। तो अभी
तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलेंगे कल किसी अच्छे से व्लॉग या रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।